अयोध्या एयरपोर्ट का नाम तय, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम होगा नाम, पीएम मोदी करेंगे 30 दिसंबर को उद्घाटन। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में आज गर्भगृह में लगने वाली रामलला की मूर्ति पर फैसला होगा, तीन कलाकारों ने बनाई है रामलला की तीन तरह की मूर्तियां। पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में एयरपोर्ट समेत 15,700 करोड़ की देंगे सौगात, सीएम योगी ने पीएम के दौरे को लेकर अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे से पहले अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया, 30 दिसंबर को होगा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर बढ़ाई गई चौकसी, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और सुरक्षा जवान तैनात, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे, राम मंदिर निर्माण का जायजा लेंगे, पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गर्भगृह में जाएंगे पांच लोग, पीएम मोदी, सीएम योगी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्य आचार्य पहुंचेंगे गर्भगृह में। अयोध्या के राम मंदिर में लगाया जाएगा 600 किलो का घंटा, रामेश्वर से अयोध्या लाया गया। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर नहीं खुलेगी कोई भी शराब की दुकान, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने चंपत राय से मुलाकात के बाद फैसला लिया। मुरादाबाद के पीतल बाजार में भगवान राम की मूर्तियों की डिमांड, मूर्ति की डिमांड से पीतल कारोबार में 20 से 30% आया उछाल। लखनऊ दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महिला हाफ मैराथन दौड़ कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। राहुल की भारत न्याय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का निशाना, कहा जो अन्याय करते हैं सुना है आजकल न्याय का ढोंग कर रहे हैं। नागपुर में एबीपी न्यूज की खबर का असर, राहुल ने कृष्ण कुमार पांडे के परिजनों से मुलाकात की। राहुल से मुलाकात के पहले कृष्ण कुमार पांडे के परिजनों ने वादा खिलाफी का लगाया था आरोप, परिवार के आरोपों पर एबीपी न्यूज ने पूछे थे सवाल। नागपुर में कांग्रेस की रैली में चंदा देने वालों के लिए कुर्सियों के पीछे चिपके दिखे बारकोड, कांग्रेस चला रही ऑनलाइन चंदा अभियान। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान, कहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को देश का पीएम बनना चाहिए। केरल में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का विरोध, राज्यपाल को दिखाए गए काले झंडे। ईडी की पीएमएलए केस की चार्जशीट में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का नाम, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा अभी तो शुरुआत है, देखिए चुनाव से पहले क्या क्या होता है। कतर में 8 पूर्व नौ सैनिकों की मौत की सजा पर रोक, भारत सरकार की अपील पर मिली बड़ी राहत। देश में बीते 24 घंटे में कोविड 19 के सामने आए हैं 702 मामले, 4097 मरीजों का चल रहा इलाज। नए साल का जश्न मनाने वालों पर सख्त रहेगी दिल्ली पुलिस, हुड़दंग मचाने और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर होगी कार्रवाई। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में सभी आरोपियों की पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने अर्जी की दाखिल। कोलकाता में ईडी की टीम ने एक फ्लैट में छापेमारी की, फ्लैट से ईडी ने बरामद किए 1,85,00,000 का कैश। यूपी के बागपत में युवक को पत्नी का मोबाइल छूना भारी पड़ा, पत्नी ने युवक की आंख में घोपी कैची। बिहार के जमुई में छात्र की बेरहमी से पिटाई, पिटाई से छात्र की मौत। सेंचुरियन टेस्ट में भारत की करारी हार, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को पारी और 32 रन से हराया, दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में बनाए 408 रनों का स्कोर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।